आ जाओ सब शाम को मेरे पास आ जाओ और 6:30 बजे हम सब नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे और दुआएं मांगेंगे सबके लिए, और ये दुआ मांगेंगे कि सबके सब हम लोग खुश रहें और हेल्दी रहें और आबाद रहें और हैप्पी रहें, ऐसी ईद हमेशा बनाते रहें। जब मैं बहुत छोटा था तो दिल्ली में ईदगाह जाते थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, थोड़ा अनफॉर्चुनेट है मैं नहीं जा सका, मुंबई में जब से आया हूँ मैं शहर नहीं गया, तो मैं घर में ही पढ़ लेता हूँ या दोस्तों के साथ बुला के हमारे सब जो सब काम करते हैं एंड वी ऑल सिट डाउन एंड प्रे टुगेदर। बट दो यादें हैं मुझे, एक बार हमने फिल्मों में आने के बाद फरफरा इजिप्ट के अंदर एक डेजर्ट है और हम गाना कर रहे थे सूरज हुआ मध्यम और ईद का वक्त था, तो एकदम डेजर्ट के अंदर खाली उसके अंदर मतलब कोई नहीं था, और 100 किलोमीटर्स इंटू डेजर्ट है और सिर्फ कुछ 50 लोग शूटिंग कर रहे थे वो गाना, बहुत गर्मी थी, तो वहाँ ईद की नमाज़ पढ़ी थी। और एक बचपन में माय अंकल और माय फादर यूज़ टू टेक मी ऑन अ 2-व्हीलर, हम जाते थे और अमूमन ऐसा ही होता था कि जो हमारी चप्पलें थी वो चोरी हो जाती थी ईदगाह के बाद घूम जाती थी, एंड बट वी यूज़ टू ऑलवेज गो टू द ईदगाह इन साउथ दिल्ली मुनीरका में या साकेत, एंड दैट मेमरी इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज माई फादर यूज़ टू टेक मी। और मेरा एक बहुत दिल की तमन्ना है कि मैं एक बार या हर बार अपने लड़के को वैसे ईद की नमाज़ पढ़ा दे। सो आई मिस दैट, आई एज आई एम गेटिंग ओल्डर आई थिंक आई एम गेटिंग मोर इमोशनल अबाउट दिस।